नमस्कार। आदर्श के सभी सदस्यों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जो कार्य किया गया है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट के अंतर्गत सेंट्रल रजिस्ट्रार द्वारा, वो पूर्ण रूप से विधि विरुद्ध प्रतीत होता है, क्योंकि जहां 20 सालों से संस्था चल रही थी और समय समय पर केंद्रीय रजिस्ट्रार को सारी सूचना प्राप्त थी, सोसाइटी में क्या क्या हो रहा है इस सब की जानकारी उनको थी, उसके बावजूद भी उन्होंने 18 साल तक कुछ नहीं किया। और 2018 में जब न्यूज़ ABP चैनल पे आई, तब अचानक उन्होंने अपनी इंक्वायरी बिठाई और 6 महीने के अंदर अंदर उन्होंने लिक्विडेटर की नियुक्ति कर दी और संस्था को ख़त्म करने के कगार पे ले आए। तो या तो उन्होंने जो 18 साल तक जो कार्य किया वो गलत था, या फिर इन 6 महीनों में जो उन्होंने इंक्वायरी की ये गलत थी। ऐसे में हमारे पास में क्या ऐसा वैधानिक उपचार है जिसके थ्रू हम कार्य कर सकते हैं। हालांकि हाईकोर्ट में इसके विरुद्ध हम गए थे और स्टे भी लेके आए, लेकिन वो सिर्फ इस लेवल तक का था कि उनका आदेश जो है वो स्टे लिया जाए, उसको सही या गलत साबित किया जाए। लेकिन अभी हमें आवश्यकता इस चीज़ की है कि केंद्रीय रजिस्ट्रार ने या तो 18 साल के अपने कार्यकाल में गलतियाँ की, या उन्होंने इन 6 माहों में अपनी गलती की, या पिछले 2 वर्षों से लिक्विडेटर बैठाने के बावजूद भी किसी तरह की कार्रवाई अभी तक हुई नहीं है। तो उन्होंने अपनी जो ड्यूटीज़ है उसको प्रॉपरली फॉलो नहीं किया, तो इसमें हमारे पास में अतिरिक्त वैधानिक अधिकार क्या है। तो बहुत इधर से मतलब कंसल्टेंसी लेने के बाद जो अभी हमारी जानकारी में आई है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक रिट के माध्यम से हम उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आवेदन कर सकते हैं, और उस रिट का नाम है मैंडामस। हिंदी में इसे परमादेश कहते हैं, मैंडामस। मैंडामस का जो एक लिटरल मीनिंग होता है उसका है वी कमांड। इट इज़ ए कमांड इश्यूड बाय द कोर्ट टू ए पब्लिक ऑफिशियल आस्किंग हिम टू परफॉर्म हिज ऑफिशियल ड्यूटीज दैट ही हैज़ फेल्ड और रिफ्यूज टू परफॉर्म। इट कैन ऑल्सो बी इश्यूड अगेंस्ट एनी पब्लिक बॉडी और कॉरपोरेशन, एन इन्फीरियर कोर्ट, ए ट्रिब्यूनल और गवर्नमेंट फॉर द सेम पर्पस। परमादेश एक कमांड है जो कि कोर्ट द्वारा निर्देशित किया जाता है ऐसे सरकारी अधिकारी के ऊपर, या फिर सरकारी कोई संस्था हो, या उनका इन्फीरियर कोर्ट हो, या कोई सरकार हो जिसने अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से फॉलो नहीं किया है, परफॉर्म नहीं किया है, या फिर उन्होंने परफॉर्म करने से मना कर दिया है। तो मैंडामस यानी परमादेश रिट की जो परिभाषा है वो इस तरह से निर्देशित की गई है कि ये रिट न्यायालय द्वारा उस समय जारी किया जाता है जब कोई लोक अधिकारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन से इनकार करे और जिसके लिए कोई अन्य विधिक उपचार, कोई कानूनी रास्ता ना हो, प्राप्त ना हो, इस रिट के द्वारा किसी लोक पद के अधिकारी के अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय अथवा निगम के अधिकारी को भी ये आदेश दिया जा सकता है कि वह उसे सौंपे गए कर्तव्य का पालन सुनिश्चित करें। ये रिट उस पर लागू नहीं होती है जहां पर ऐसे अधिकारी के ऊपर लागू नहीं होती है जिसके पास अपने अधिकार डिस्क्रिशनरी हो, यानी वो उसके ऊपर कोई मैंडेटरी कर्तव्य ना हो कि उसे वो काम करना ही है। तो साथियों, ये विधिक अधिकार हमको प्राप्त है। अब इसमें आवश्यकता है किसी अच्छे लॉयर के साथ में डिस्कस करके और इसकी फिजिबिलिटी देखना कि वाकई में क्या हम इस प्रस्तुत केस में मैंडामस का उपयोग ले सकते हैं अथवा नहीं ले सकते। आर्टिकल 32 भारत का संविधान इसमें हमको ये अनुमति देता है कि हम ऐसे किसी भी लोक अधिकारी के खिलाफ अपना मैंडामस की रिट लगा सकते हैं जो अपनी ड्यूटीज़ को प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर रहा है या फिर करने में फेल हो रहा है। तो पुनः आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप स्वस्थ रहें, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।